एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होंडा लीवो BS6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए तो इस बाइक के अंदर आपको जो बल्ब मिलेंगे वो आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं। फ्रंट में भी आपको इस बाइक के अंदर हैलोजन मिलेंगे। और वहीं पर बात करिए तो इसके अंदर मैं जो वेरियंट की बात कर रहा हूँ वो है फ्रंट डिस्क ब्रेक की। मैं टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ और आपको मैं प्राइस जो है वो मैं दोनों के प्राइस के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करी जाए तो इसके फ्रंट डिस्क में तो आपको जो इसका फ्रंट डिस्क साइज मिलेगा वो मिलेगा 240mm का फ्रंट डिस्क साइज मिलेगा। और जो रियल में आपको जो बल्ब मिलेगा वो आपको इसके अंदर हैलोजन बल्ब मिल जाएगा। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 115 kg का कर्व वेट मिलेगा और वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको 9 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। इस बाइक की जो वृद्ध होने वाली है वो होने वाली 751mm की वृद्ध होगी और इस बाइक की जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 790mm की सीट हाइट मिल जाएगी। बात करी जाए तो इस बाइक की हाइट के बारे में बात करी जाए तो वो मिलेगी आपको 1160mm की आपको इसके अंदर हाइट मिल जाएगी। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो होगा 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 20mm की आपको इसके अंदर लेंथ मिलेगी। और वहीं पे इस बाइक का व्हील बेस होगा वो होगा 1278mm का व्हील बेस मिल जाएगा। ये जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई, देखो अगर आप इस बाइक को लेके गांव के एरिया में जाते हो, ठीक है, विलेज वाले एरिया में चलाते हो, आप वहां चलाते हो तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छी, आपको व्हील बेस बहुत अच्छा मिल रहा है। और वहीं पे इस बाइक की सीट हाइट, अगर आप जैसे गांव के अंदर आपने इस बाइक को सोचा कि गांव में ले जाके कुछ सामान वामान रखने के लिए, तो वहाँ पर ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल प्रोवाइड करेगी। लेंथ आपको अच्छी मिल रही है, सीट हाइट अच्छी मिल रही है, आपको व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप इस बाइक को लेके जाते हो और अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड भी करते हो तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बाइक होने वाली, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बैक में पेन या सीट हाइट या इंजन जो है वो कहीं लग रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट के में आपको 457.2mm का फ्रंट व्हील साइज मिलेगा और जो रियल व्हील साइज मिलेगा वो मिलेगा 457.2mm का रियल व्हील साइज मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में 80x100 का फ्रंट टायर मिलेगा और रियल जो टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 80x100 का रियल टायर मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रियल में आपको हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाएंगे। ये जो सस्पेंशन है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हीरो इन सस्पेंशन को अपने नियो में यूज़ करता है, अपने ड्रीम योगा में, इन सब में यही सस्पेंशन यूज़ करता है और पर्सनली मुझे ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो यही वाला जो सस्पेंशन है अगर आप देखोगे तो ये XP125 के अंदर भी यही सस्पेंशन यूज़ करता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि होंडा लीवो या इन सब बाइक के सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आती है। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक मिलेगा और इस बाइक के अंदर आपको सीवीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। और वहीं पे इस बाइक का एक वेरिएंट और आता है जिसके अंदर आपको फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक मिलता है, रियल में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन सीबीएस आपको दोनों में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू मी चलते हो, मेरे हिसाब से चलते हो, तो दोस्तों आपको वो वेरिएंट लेना जिसके अंदर फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी, वहाँ पे आपको इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम और भी ज़्यादा आपको स्ट्रांग होता हुआ मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो भी है इस बाइक का इंजन। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 109.51cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 F5 आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 8.79 PS एट द रेट 7500 RPM पर और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 9.30 Nm एट द रेट 5500 RPM पर। इस बाइक के अंदर अगर देखा जाए तो आपको बोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला, आपको पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, आपको टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। टॉर्क की काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक का जो इंजन है ना, अगर मैं रियलिटी में बताऊँ तो टॉर्क की काफ़ी ज़्यादा इंजन है, तो इसकी वजह से ये जो बाइक है काफ़ी स्मूथ चलती है। टॉर्क है एकदम, आपको पिकअप मिलेगा बिल्कुल, और पिकअप मिलना ही इस बाइक का सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली इस बाइक के इंजन में, जो पिकअप है वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इस बाइक का पिकअप है, पिकअप भी अच्छा है, आपको पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो यार इस बाइक से और चाहिए क्या। बात करी जाए तो इस बाइक का जो बोर है वो आपको मिलेगा 47mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 63.121mm का आपको इस बाइक के अंदर स्ट्रोक मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, वहीं पे इसके अंदर आप पेट्रोल कोई भी डलवाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पर्सनली मेरा मानो तो 200 स्पीड का पेट्रोल डलवाओ, काफ़ी ज़्यादा आपका FI में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका इंजन स्मूथ रहेगा, ये चीज़ें तो खैर होती है इस पेट्रोल में, क्योंकि वो पेट्रोल थोड़ा सा छना हुआ होता है और उसके अंदर ऑक्टेन भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ही आपके बाइक के इंजन की लाइफ थोड़ी इंक्रीज कर देगा। बात करिए तो इस बाइक के अंदर आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। आपको इस बाइक, ये एक ऐसी बाइक मुझे पर्सनली लगती है कि
आप इस बाइक को आप 80-90 पे भी चलाओगे ना इस बाइक को, तो भाई आपको वहाँ भी फील नहीं होगा कि इस बाइक में फिफ्थ गियर की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल स्मूथली इसका बाइक का गियर है, एकदम स्मूथ ये जो बाइक के गियर अपना पकड़ दिए, इतने प्यारा इसका गियर है। और बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर देखा जाए तो अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। देखो अभी जैसे मैं प्राइस बताऊँगा तो प्राइस जैसे मुझे पता है तो उस हिसाब से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी तो प्रोडक्ट है ये, ठीक है। आपको लुक्स मिल रहे हैं, लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा, 110cc में, ठीक है। दो बाइक्स का लुक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो विक्टर देख लो और एक हो गई लीवो। इन दोनों बाइकों का लुक अलग ही निकलता है, अलग ही निकल के आता है। अगर आप एक यंगस्टर हो और आपको एक बाइक चाहिए लुक के मामले, माइलेज भी काफ़ी अच्छा चाहिए, तो इन दोनों से जो आपकी पसंद हो वो बाइक ले लो। वैसे पर्सनली ज़्यादातर यूथ लोग जो है वो इसी बाइक को प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि इसका लुक काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो फ्रंट से ये बाइक थोड़ी सी नेकेड लगती है, ठीक है। नेकेड वाइज लुक भी इसका काफ़ी आपको अच्छा मिल गया, आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिल गया, CBS आपको मिल गया फ्रंट में, आपको उसमें डिस्क मिल गया, सेफ्टी के मुकाबले सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल गई, तो फिर और चाहिए क्या इस बाइक को लेकर। अब हम बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पर्सन के लिए रहता है कि हाँ भाई प्राइस होना क्या है। तो देखो इस बाइक का जो ड्रम वेरिएंट का प्राइस है वो मिलेगा आपको, एक्स शोरूम जो ये बाइक जाएगी वो जाएगी आपकी 70,056 रुपीज़ आपकी, ये जाएगी एक्स शोरूम प्राइस। RTO जो प्राइस जाएगा वो जाएगा आपका 7,005 रुपीज़ आपका RTO जाएगा। और इंश्योरेंस जो यहाँ पे मेरे पास अभी आया, मुझे लग रहा है इंश्योरेंस में कुछ गड़बड़ इन लोगों ने कर दी है। चलो मैं अभी बता देता हूँ जो अभी मेरे पास आया है यहाँ पे, मैं अभी टर्म्स एंड कंडीशन है इंश्योरेंस पे, मैं अभी पहले क्लियर करता हूँ। इंश्योरेंस का 1,996 रुपीज़ टर्म्स एंड कंडीशन है इसके साथ, तो जो होगी एक बार आप जाके पता कर लेना। और ऑन रोड ये जो बाइक जाने वाली है तो ये जाएगी 79,557 रुपीज़ जाएगी। इस अमाउंट पर थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन होगी क्योंकि देख लेना आप लोग क्या चीज़ है। जहाँ तक मेरे पास इंश्योरेंस, मुझे लग रहा है इसका इंश्योरेंस जो होगा वो होगा 5,852 रुपीज़ का इंश्योरेंस होगा, लेकिन एक बार दोस्तों इस चीज़ को आप चेक कर लेना। और अगर आप इस बाइक को EMI पे लेना चाह रहे हो तो आपकी जो नॉर्मल आपका पेमेंट जाता है वो जाएगा, उसके बाद आप इस बाइक को मंथली EMI जो बनेगी वो बनेगी 2049 रुपीज़ पर मंथ आपको उस पर देने पड़ेंगे ड्रम ब्रेक के लिए। और अगर बात करूँ तो मैं डिस्क ब्रेक वाली की, तो डिस्क ब्रेक का मेरे पास प्रॉपर प्राइस आ गया है, तो डिस्क ब्रेक जो होगा वो होगी 74,267 रुपीज़ आपकी एक्स शोरूम जाएगी। RTO जो जाएगा वो जाएगा आपका, हाँ RTO जो इस बाइक का जाएगा वो जाएगा 7,426 रुपीज़ इस बाइक का RTO प्राइस जाएगा। इस बाइक का जो इंश्योरेंस होगा वो होगा 5,852 रुपीज़ का आपका इस बाइक का इंश्योरेंस होगा। बात करी जाए तो देखो ऑन रोड ये बाइक आपको जो पड़ेगी वो पड़ेगी 87,545 रुपीज़ आपका ऑन रोड प्राइस जाएगी। और EMI पे अगर आप ये बाइक लेते हो तो देखो EMI पे तो आपको जो आपको स्टार्टिंग में देने होते 15,000-20,000 वो दोगे, उसके बाद मंथली जो EMI बनेगी वो बनेगी आपकी 2,172 रुपीज़ पर मंथ आपकी इस बाइक की EMI बनेगी। तो दोस्तों मैंने अब आपको सारी चीज़ें मैंने इस बाइक के बारे में क्लियर कर दी है, और बाकी तो यार बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे को तो 1% का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतने प्राइस में ये बाइक काफ़ी अच्छी प्राइस है, काफ़ी अच्छी प्राइस है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारे दिमाग मत खराब करके दिमाग में काफ़ी नंबर का चैनल है राहुल ब्लॉग्स 10 करके उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय।